नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में सरकारी पैसों का बंदरबांट आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा खबरों के हवाले से। ये भी सुना होगा कि अधिकारी कैसे अपनी मनमानी करते हैं और सरकार के द्वारा भेजे गए गरीबों के पैसे को कैसे चट कर जाते हैं। एक ताज़ा मामला जमुई से आया है। आपको बता दें कि जमुई में भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही खेल देखने को मिला है, लेकिन इस बार मामला जरा पलट गया। कहा जा सकता है इस तस्वीर को देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि जनता और महिलाएं विकास का पैमाना और भ्रष्टाचार के पैमाने को पूरी तरह लगता है समझ चुकी हैं। अब खबरों पर आते हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरहट के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक यानी कि BCM को आशा कार्यकर्ताओं से नजराना मांगना भारी पड़ गया। जी हाँ, मामला ये है कि दरअसल गुरुवार को लगभग 1.5 दर्जन आशा प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र विभिन्न योजना भुगतान लंबित रहने की जानकारी लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर विवाद शुरू हो गया, धक्का मुक्की भी हुई। आशा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान क्या कुछ किया वो तस्वीर में देखिए। सबसे पहले, इससे पहले कि हम कुछ बोलें, तस्वीरें बहुत कुछ बताना चाह रही हैं। अब देखिए, इस तस्वीर में यहां पर BCM साहब की पिटाई शुरू हो चुकी है। अब जरा पिटाई का मजा लीजिए आप लोग। अब मामला दोस्तों आपको बता दें कि मामला दरअसल ये है कि जमुई में सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए पैसे भेजे गए थे और ये पैसे थे 3,000 रुपये। और इस 3,000 रुपये की राशि के बदले BCM साहब आशा कार्यकर्ताओं से 50% यानी कि 50% का नजराना मांग रहे थे। अब इतने पर आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा भला ना फूटे तो क्या हो। आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर खरी खोटी तो सुनाई ही, लात घूसों से स्वागत भी कर दिया। तंग आकर आशा दीदी ने जमुई के बरहट प्रखंड BCM शैलेंद्र कुमार की इतनी पिटाई कर दी कि भ्रष्टाचार का आईना उनके सामने टूटता नजर आया। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं के सेवा के बदले सरकार ने उन्हें 3,000 रुपये का मानदेय भेजा था। इस 3,000 रुपये में BCM महोदय 50% मांग रहे थे। आशा कार्यकर्ताओं के बहुत सारी शिकायतें पहले भी आ चुकी थी, इसको लेकर CS से भी शिकायत की गई थी, मगर महोदय नहीं माने। रात बारात बेचारी आशा कार्यकर्ता गांव के प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं को लेकर अस्पताल आती हैं। रात भर अकेले अस्पताल में रहती हैं और इस बेशर्म महोदय को इनके हर एक माह के मानदेय में भी कमीशन चाहिए होता है। लेकिन इस बार मामला उलट हो गया। इस बार BCM साहब को कमीशन मांगना इतना महंगा पड़ गया कि वीडियो में जो पिटाई आप देख रहे हैं वो शायद उसी का नतीजा है। वीडियो में ये पिटाई BCM साहब की नहीं हो रही है, ये पिटाई है भ्रष्टाचार के उस नुमाइंदे की जो आशा कार्यकर्ताओं से उनके पैसे के बदले 50% का नजराना मांग रहा था, और ऐसे सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई भी होना लाजमी है। बहरहाल आशा कार्यकर्ताओं ने BCM साहब को उनकी असली पहचान बता दी है और लात घूसों से जमकर पिटाई भी की है। जाने से पहले एक बार आपको हम उसी वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं जो यहाँ पर BCM साहब की धुलाई आशा कार्यकर्ता कर रही हैं।